इंसान की जिंदगी कामयाबियों और नाकामियों का मजमुआ है। सबसे बड़ी कामयाबी इंसान तब हासिल करता है जब वो पंघोड़े से निकलकर खुद अपने पांव पर चलने और कदम बढ़ाने लगता है, और यही पहला उठता हुआ कदम पहली कामयाबी बच्चे को एतमाद फराहम करती है, आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने का हौसला देती है। ये बात उस नन्हे बच्चे के लाशऊर में उसके जहन के परतों पर नक्श हो जाती है, और गुजरते माह साल के रेले के साथ ये छोटी सी कामयाबी बड़ी फतूहात का पेश खेमा साबित होती है। असल वजह इंसान के अफकार ख्यालात हैं जो उसको इसकी शख्सियत को बनाते और बिगाड़ने का मौजब बनते हैं। मस्बत ख्यालात मस्बत सोच की जानिब रहनुमाई करते हैं, जबकि मनफी ख्यालात बिगाड़ और शिकस्त रीख का बायस होते हैं। अगर मुस्बत सोच का हामिल इंसान माशरे की इमारत में मौजूद एक ऐसा सुतून है जो इस इमारत को सहारा देकर खड़ा रखने में अहम किरदार अदा करता है, जबकि मनफी सोच का मामला इसके बरक्स है। हर माशरा मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलकर बनता है। फर्द माशरे की इकाई की हैसियत रखता है। बहुत सी इकाइयां मिलकर एक मुकम्मल जुज बनाती हैं। अब ये उन इकाइयों पर है कि वो इस जुज को क्या शक्ल देते हैं। आज तक बहुत से शाहकार तख्लीक के अमल से गुजर कर मंजर आम पर आए हैं, और जब अपने खालिक के लिए बकाए दवाम का मौजब बनते हैं वो तमाम मस्बत रवि का ही नतीजा है। मस्बत सोच का कामयाबी की जानिब ले जाने वाली वो सड़क है जिस पर चलने वाला अपनी मंजिल को पा लेता है। कहते हैं कि इंसान की तकदीर उसके अमाल और अफाल के ताबे होती है, तो अमाल और अफाल के सरजद होने की तौजीह क्या है, या कौन से अमाल किस चीज के पैरोकार हैं, कौन सी चीज उनको अपनी मर्जी से वकूफ पजीर करवाती है। हमारे तमाम हरकत हमारी सोच के जेर असर होती है, गोया हमारी सोच है जो हमसे अवामिल सरजद करवाती है। अब इस अमल के अच्छे या बुरे होने का तमाम तर दारोमदार इंसान की सोच के बलबूते पर है। अच्छे से ज्यादा सोच का मस्बत होना जरूरी है। मस्बत सोच दर हकीकत अच्छी सोच है। एक मस्बत सोच का हामिल इंसान यकीनन मस्बत ख्यालात और तहकीकात को ही मंजर आम पर लाएगा, लेकिन मस्बत सोच को अपनाया कैसे जाए। इंसान हमेशा जीतना ही चाहता है, उसे तमाम तर ख्वाहिशात दर्स दर्स में चाहिए, और अगर कभी हासिल की जद्दोजहद ला हासिल में बदल जाए तो गुस्से की शदीद लहर वजूद को अपने पूरी लपेट में ले लेती है, और गम और गुस्से की इस लहर पर अगर सबर का पानी ना डाला जाए तो मनफी सोच के लिए रास्ता बना लेना मुश्किल नहीं रहता। जीत और कामयाबी का जश्न तो बहुत बार मनाया जाता है, लेकिन हार का खैर मकदम करना मुश्किल मरहला महसूस होता है, क्योंकि हमने हारना सीखा ही नहीं। जीत से मिलने वाली खुशी का हकीकी अंदाजा तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक ला हासिल की करवाहट को मिठास में बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि नाकामी को तस्लीम करने के लिए बहुत नए सिरे से जब जद्दोजहद का सिलसिला शुरू होता है तो इस बार सही और मजबूत सोच की वजह से जीत के मौके बढ़ जाते हैं। इंसान के लिए काबिले कदर इकदामात ये हैं कि जब वो खुदा को और अपनी जात को मुहासबा करने लगे तो कामयाबियों के साथ साथ नाकामियों को भी याद रखे, और अपनी गुज़िश्ता लग्जिशों से सबक हासिल करते हुए अपने कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दे। ख्यालात का जाविया सोच और अमल की शक्ल को बदल के रख देता है। बरसती बारिश के कतरे सीप और सांप के मुँह दोनों में गिरते हैं, लेकिन सीप उस कतरे को मोती और सांप जहर में तब्दील कर देता है। यानी मामला मुस्बत और मनफी सोच का है। ख्यालात तवानाई की नरम तरीन किस्म है, बिल्कुल गर्म लोहे की तरह जिसको अपनी मर्जी के रुख पर मोड़ा जा सकता है। इस तरह ख्यालात को भी जिस सांचे में ढालना चाहें ढल जाते हैं। अब ये इंसान की अपनी मर्जी और मंशा पर मुनहसर है कि वो मनफी रविश के धारे में बह जाए या फिर मस्बत रवि और साबित कदमी का दामन थाम ले। पहले पहल नामुमकिन नजर आने वाले मुनहसरात को इंसान के गौर व फिक्र इरादे की पुख्तगी और अमल ने नामुमकिनात की फहरिस्त से खारिज कर दिया। इंसान का ख्वाहिश का इरादा करने और उस इरादे को हासिल करने के दरमियान सिर्फ हिम्मत करने का फैसला है। हिम्मत करे तो इंसान क्या हो नहीं सकता, है कौन सा अगदा जो वाह हो नहीं सकता। इस कायनात में नामुमकिन कुछ भी नहीं। असली और हकीकी ना अहली तो इंसान के जहन में पोशीदा मनफी सोचों के इख्तरा है जो जरा सी मुश्किल पर नामुमकिन का शोर मचा देती है। लेकिन जो इंसान मुश्किलात का मर्दाना वार सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है उसके लिए तस्खीर के दर वाहू जाते हैं। तगैयुर इस कायनात का खासा है, और इंसान इस कायनात का अहम तरीन जुज्व और तगैयुर का मुंह बोलता सबूत है। इंसान की सोच ख्यालात हर पल एक नए अंदाज में सामने आते हैं। हर लम्हा उसके लिए आशनाई के नए दर वाह करता, नई हकीकतों और सच्चाइयों से रोशनास करवाता हुआ गुजर जाता है। मगर हर गुजर जाने वाला लम्हा एक तारीख रकम करता हुआ माजी के नाकाबले फरामोश पन्ने और मुस्तकबिल के लिए मौसर लायहा अमल तश्किल करने वाला राइटर साबित होता है। लेकिन वो उन तहरीरों को पढ़ सकते, समझ सकते और महसूस कर सकते हैं
جو کھلی آنکھوں سے وقت کی کرشمہ سازیوں کا ملاحظہ کرتے ہیں، جن کے کان بہتی ہواؤں کی سرگوشیوں کو سنتے ہیں، اور جو وقت کی قدر و قیمت سے آگاہی رکھتے ہیں۔ وقت کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا، یہ گلیشیئر نہیں جو جم جاتا ہے، تھم جاتا ہے، بلکہ یہ اس جھیل کی مانند ہے جو بظاہر پرسکون بہتی چلی جاتی ہے، مگر در حقیقت اس کی روانی اور طغیانی زبانیں بے زبانی سے بیان کرتی ہے کہ وقت بھی دبے قدموں غیر محسوس انداز میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ اسے روکا تو نہیں جا سکتا، مگر ہم رکابی کا شرف تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ روشنی کی معمول سی کرن گہرے اندھیرے میں تبدیلی کی نبید سناتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جب ہوائیں رک جاتی ہیں، جب ظلمت کی گہری تہیں روشنی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، جب حالات ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، جب ہمارے منصوبے ناکام اور ہر تدبیر الٹی ہوتی جا رہی ہوتی ہے، تو یہی وہ درست وقت ہوتا ہے جب تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب اسپرنگ کو آخری حد تک دبا دیا جائے تو وہ بھی پوری طاقت سے اچھلتا ہے۔ مشکلات میں یہی آسانی کے راستے نکالتے ہیں، اور مایوس کن حالات میں ہی کامیابی کے نئے منصوبے جنم لیتے ہیں۔ اور یہ صرف میری رائے نہیں، دانشوروں کا کہنا ہے، لیکن خالق کائنات نے ان حالات اور ان کے بعد آنے والے روشن دور کی مسرت بھری نوید خود سنائی، اور پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کچھ فرمایا ہے۔ آئیں ذرا تصور کی آنکھ سے جھانک کر دیکھیں۔ ماہرین نفسیات اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ فرد کی شخصیت کو ابھارنے اور سنوارنے میں مثبت سوچ اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، مثبت سوچ اور منفی سوچ۔ سوچ تو مثبت ہے ہی، لیکن اس کی ضد منفی سوچ ہے۔ یہ اکثر و بیشتر انسان کے لیے منفی ہی ثابت ہوتی ہے۔ منفی سوچ آدمی کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس کے منفی پن سے نجات حاصل کرنا کافی دشوار اور کٹھن معاملہ ہوتا ہے۔ تاہم کوشش کرنے سے منفی سوچ میں کمی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس کی جگہ مثبت سوچ کو جگہ دی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے سخت محنت درکار ہوتی ہے۔